कांग्रेस नेता कमलनाथ सिंह की सभा का एक वीडियो इंटरनेट पर वायरल है, जिसमें उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस की सरकार बनते ही वो सबसे पहले भाजपा की लाडली बहन योजना बंद करेंगे। साथ ही जिन महिलाओं को पैसे मिल चुके हैं उनके नाम हटाकर नए नाम जोड़े जाएंगे। कांग्रेस की नारी सम्मान योजना का लाभ उन्हें ही मिलेगा जिनका नाम लाडली बहना योजना में नहीं था। ये कांग्रेस और कमलनाथ के वचन है। दावा किया जा रहा है कि कमलनाथ ने इस योजना को बंद करने की घोषणा की है और लिस्ट से लाभार्थियों के नाम हटा दिए जाएंगे। हमने इस पोस्ट का फैक्ट चेक किया, पता चला कि ये पोस्ट फेक है। हमने वीडियो के ओरिजिनल वर्जन को ढूंढा, जहां पता चला कि ये वीडियो 26 अक्टूबर का है और मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा का है, जब वो नामांकन के लिए गए थे। इसमें वो लाडली बहन योजना के बारे में बात न करते हुए छिंदवाड़ा के विकास यात्रा, वहाँ के मौजूद प्रत्याशी और गांव में बिजली की बहाल हुई व्यवस्था पर बात कर रहे थे। इसलिए ये साबित होता है कि वीडियो को डिजिटली एडिट करते हुए फेक क्लेम से शेयर किया गया है।